हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, इसको आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत दिखिएगा, एंडिंग तक जरूर देखिएगा, ठीक है? मैं कुछ चीजें आप लोग के साथ ना शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। एक्चुअली हम लोग का बाजू का जो जमीन है दोस्तों, उस पर हम लोग काम लगाए हुए थे और उसमें हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए दोस्तों, इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ना आजकल अच्छाई का जमाना नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, ऐसा हर कोई अच्छा मिल जाए ये जरूरी नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम लोग बिजी हैं तो चल भाई पैसा ज्यादा ले लें, बट काम को जल्दी कर, जल्द से जल्द खत्म कर, हम जिसमें परेशान ना हो। मतलब रियल में हम यही चाहते हैं कि हम परेशान ना हो, इसलिए दो पैसा ज्यादा भी देते हैं कि ठीक है भाई, परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट? यही होता है हम सबका क्योंकि बिजी है। बट चलिए आगे, आप लोगों को मैं वीडियो दिखाती हूँ, क्लिप दिखाती हूँ और इसके बाद आप लोग के साथ बातें शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ना हम लोग काम लगवाए हुए थे, यानी कि 10 दिन पहले का ये है दोस्तों, ठीक है? फर्स्ट डे सारा मटेरियल वगैरह गिरा है और सेकेंड डे से घर पे काम लगा है दोस्तों। यहाँ बाजू में दोस्तों हम लोग पोर्च बनवाने के लिए देखिए काम स्टार्ट करवाए हैं, जिसमें कि 6 पिलर बनने के लिए ऐसा बॉक्स जैसा गड्ढे वाला कटिंग हुआ है, जिसमें आप लोग फोटो में देख सकते हैं दोस्तों पानी भरा हुआ है, क्योंकि बता रही हूँ आगे प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है? ये मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, दूसरे दिन आए हैं, मस्त काम किए हैं। हम लोग सारा मटेरियल मंगवा चुके हैं और आप देख सकते हैं साइड वाले गड्ढे में अंदर छड़ डला हुआ है जिसमें इनको पिलर देना है। बट ये लोग 2 दिन काम करने के बाद तीसरे दिन से पूरा 1 हफ्ता से ज्यादा के लिए गायब। मिस्त्री बोल रहा है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, 2 दिन बाद आ रहा हूँ, ये है फलान है ढिकान है। पहले तो स्टार्टिंग में 3 दिन बड़े प्यार से फोन करके बता के कि बारिश हो रही है ना तो बारिश में काम नहीं होगा, बट बारिश हो रही है तो बारिश में गड्ढे में पानी भी तो जा रहा है, कोई जानवर ही गिर गया, ऊपर से हम लोग को भी परेशानी हो रही है, काम हमारा है तो हम ही को ये सब चीजें देखना है ना। ये दोस्तों 9th डे का है आई थिंक, ठीक है? ये वाला क्लिप यहाँ से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इस बीच में मैं काफी ज्यादा लेबर को सुनाई हूँ, काफी ज्यादा। ये भी मैं तय कर ली कि अब मैं दूसरा लेबर रख लूंगी, पर मैं आप लोग से काम नहीं करवाऊंगी। आप लोग हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है दोस्तों, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सो है, मैं बोलती हूँ जब पैसा देके हमको काम करवाना है तो हम क्यों किसी का सुने। बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना दोस्तों, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं तो वो सोचते हैं जाने दो, मजबूरी होगा मजबूरी होगा, लेकिन ऐसे में क्या होता है सामने वाला ही हमको बेवकूफ बनाने लगता है। तो हमारे साथ फ्रॉड क्या हुआ दोस्तों, ये मैं बता रही हूँ। ये चीज आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर कभी कोई काम करवाते हैं, छोटा ठेकेदार हो बड़ा ठेकेदार हो, कभी भी उसको पेमेंट ना काम होने से पहले मत करिए। दैट्स माई एडवाइस दोस्तों, क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है। हम लोग स्टार्टिंग में ही दोस्तों जिस दिन वो काम स्टार्ट किया उसी दिन उसको हम लोग 22,000 दे दिए, क्योंकि वो मांगा कि सर दे दीजिए पैसे का ये वो कुछ कुछ एक्स वाई जेड बोलकर मेरे हस्बैंड से पेमेंट ले लिया। मुझे नहीं पता था, जब वो बीच में नहीं आ रहा था और मेरा ये डिसीजन हुआ कि मैं दूसरा लेबर लगा लेती हूँ, तब मेरे हस्बैंड बताया कि उसको पेमेंट भी दिया हुआ है। तो पेमेंट देने के कारण हम लोग थोड़ा सा फंस गए, लेकिन फिर भी मैं परेशान होकर ये सोची दोस्तों कि मैं तो चेंज कर देती हूँ, देखा जाएगा बाद में क्या कर सकते हैं। तो इससे यही समझ में आया कि कभी भी पहले से थोड़ा भी पेमेंट मत दीजिए, कोई दया भावना नहीं दोस्तों। जितना काम होगा उतना पेमेंट धीरे धीरे टुकड़े में निकालिए, वो ज्यादा अच्छा है। पर हम लोग क्या ना बिजी होने के कारण, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बिजी होने के कारण, ले भाई पेमेंट ले ले, 5 टुकड़े में देना है तो पहला आप भाई 22 ही ले लो, फिर जो भी होगा फिर लेना, पेमेंट तो ज्यादा देना है। लेकिन एक होता ना कि हाँ भाई 1 हफ्ता कम से कम शांति रहेगा, 2 हफ्ता शांति रहेगा, लेबर को देने का कुछ को देने का हमको तंग ना करे, इसलिए हम पेमेंट दे दिए थे दोस्तों। तो ये दोस्तों पोर्च बनवा रहे हैं, इस एरिया में आप देख सकते हैं 2 बड़े बड़े पेड़ हैं, इसको भी कटिंग करवाना है। कांटे वाला पेड़ है दोस्तों, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर छांव बना के रखता है, लेकिन कांटे वाला पेड़ है और कट करना अब जरूरी है। तो ये देखिए आज ही के दिन ये वाला फाउंडेशन को कंप्लीट करके इन लोग गए हैं। ये है हमारा घर दोस्तों, और इसी के जस्ट बाजू में ये बनवा रहे हैं हम लोग पोर्च।
ईटा आके गिरा हुआ है दोस्तों, और अभी एक ट्रैक्टर और ईटा आना है। सीमेंट को मैं आप लोग को दिखाऊंगी घर में हम लोग कैसे रखे हैं, बीच बीच में मंगवाए हैं सीमेंट, काम बंद हो गया था तो वैसे ही रखा हुआ था 2-3 बोरी, और अभी आज और आने वाला है सीमेंट। तो यही मैं आप लोग के साथ बीच में ना शेयर नहीं करी, ब्लॉग में बोलती थी काम चल रहा है दिखाऊंगी, लेकिन मूड ऑफ हो रहा था तो मैं क्या आप लोग के साथ ये छोटी छोटी बातें भी, मतलब समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं और शेयर करूं भी कि नहीं करूं, लेकिन फाइनली मैं शेयर कर दी। क्योंकि हम लोग जैसे अच्छे होते हैं ना दोस्तों, हर कोई अच्छा नहीं होता है, इसलिए हर किसी को भोला अच्छा समझना ये बहुत बड़ी गलती होती है। सीधा वैसे ही काम लो जैसा सामने वाला आपको काम दे रहा है। तो यही है दोस्तों, ये मेरे घर के जस्ट सामने में जो मैं रोड आप लोग को दिखा रही हूँ, कार खड़ी है, यहाँ से डायरेक्ट मेन रोड भी आ जाता है, तो वही चीज मैं आप लोग को जूम करके दिखा रही हूँ। तो इसी एरिया में पोर्च बनवा रहे हैं, दीवार से लगा करके पूरा गोल से बाउंड्री होना है, नीचे फ्लोरिंग वगैरह होगा। तो जो भी जिस दिन काम होगा मैं आप लोग के साथ पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ब्लॉग में शेयर करते रहूं। मूड ऑफ होने के कारण मैं इस एरिया में आ ही नहीं रह रही थी दोस्तों, और देख सकते कितना पेड़ छांव टाइप का बनाया, छाता जैसा है लेकिन बहुत काटा है इस पेड़ में दोस्तों, तो कट करना जरूरी है, पेड़ रख के क्या ही फिर फायदा, मतलब दूसरा टाइप का पेड़ हो तो सोचे भी किनारे उनारे हो तो रखना, पर ऐसे नहीं रख सकते ना, फ्लोरिंग वगैरह कराना है। तो यही है दोस्तों, काफी ज्यादा यहाँ पर मैसी मैसी आज तो जाकर थोड़ा सा मिट्टी वगैरह हटा भी है। तो चलिए जैसा भी होगा आगे का अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ध्यान रखिएगा कभी भी फुल पेमेंट मत करिए, फुल क्या हाफ भी मत करिए, 3/4 भी मत करिए, थोड़ी सी ही पेमेंट दे करके फंसा के रखिए, ज्यादा बेटर है। 1-1.5 घंटे बाद का क्लिप है दोस्तों, देखिए सीमेंट आया है और कैसे एडजस्ट करके रखे है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और बारिश का भी समय आ गया है। तो देख सकते हैं यहीं पे 10-10 बोरी करके मंगवा रहे हैं और सीढ़ी में ऐसे ही अरेंज करके रखवा रहे हैं। रखने वाले को भी दिक्कत है लेकिन मैं बोल रही हूँ भैया जगह नहीं है, रिक्वेस्ट कर दे रही हूँ तो रख दे रहे हैं। तो यही सब नाटक है, लेबर लोग आजकल खुद ही मालिक बन जाते हैं, और हम लोग कितना भी पैसा दे दे तो हम ही नौकर बन जाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट।